आज पिछले समय से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर यहां पर माइनिंग की शुरुआत की और शायद देश का सबसे अच्छा आयरन ओर ये गढ़चिरौली में पाया जाता है। अब उस पर निवेश भी आ रहा है, यहां पर उसका बेनिफिक्शन हो इसकी भी व्यवस्था हो रही है। तकरीबन 20,000 करोड़ का निवेश अब यहां पर स्टील इंडस्ट्री का भी आ रहा है और इसके कारण ये और भी आवश्यक होगा कि एक बहुत ही प्रशिक्षित इस प्रकार का मानव संसाधन हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग यहां तैयार कर पाए। बांबू हो, टीक हो, ऐसे कई हमारे वन संपदा के जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहां पर बहुत विपुलता से उपलब्ध है और इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी निर्माण हो रहा है, अनुसंधान भी हो रहा है। ऐसे समय इस सारे अनुसंधान के कार्य में हमारा जो गोंडवाना विश्वविद्यालय है ये एक बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ की जरूरतों को समझकर उस प्रकार की कोर्सेस होंगे, उस प्रकार के अभ्यासक्रम होंगे, इसको भी तैयार करने का काम गोंडवाना विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से गोंडवाना विश्वविद्यालय को आश्वासित करना चाहता हूं, पिछले समय भी हमने चाहे यहां का जमीन का प्रश्न हो या फिर यहां पर अलग अलग कामों के लिए राशि आवंटित करनी हो, कभी भी हम लोगों ने उसको रोका नहीं है और आगे भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस विश्वविद्यालय को महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो भी राशि की आवश्यकता होगी, जो भी बजट की आवश्यकता होगी, हम लोग उसको पूरे तरीके से और सही समय पर उपलब्ध करवाएंगे, ये भी विश्वास आज के इस मौके पर मैं देता हूं।